कम मौके ऐसे होते हैं कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को जो आपके साथ खेल रहा है उसको आउटस्मार्ट करते हैं, और इस बात को खुद उन्होंने एक्नॉलेज किया जब मैंने देखा कि जब आप लोग लौट रहे थे तो उन्होंने खुद आपको कहा, क्या वो जेस्चर था, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप आगे जाओ, उसके बारे में बताएं। वो तो एक्चुअली एक बहुत हार्ट वार्मिंग जेस्चर था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है, और मैं वही देख रहा था कि वो आगे जा क्यों नहीं रहे हैं, वो पीछे पीछे चल रहे थे पहले, तो मैंने फिर बाद में उनको बोला कि चलिए साथ में ही चलते, इतना एक्सपीरियंस है उनका, मुझे तो बहुत मज़ा आया बैटिंग करने के लिए उनके साथ। मैंने वही बोला उनको फर्स्ट इनिंग के बाद और मैच खत्म होने के बाद कि मेरे को बहुत मज़ा आया बैटिंग करने आपके साथ, क्योंकि प्लान एकदम क्लियर था, हम लोग बहुत बात कर रहे थे अंदर अब ये सिचुएशन में क्या करना है, ये दो बॉल में, अगले दो बॉल में, तो एक्सपीरियंस का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो अभी इतने T20 खेला नहीं हूँ उन्होंने जितने खेल लिए, बट बहुत मजा आया अंदर। सुनो भाई, आज भी ड्रेसिंग रूम में बोल कर आए थे क्या, मैं हूं ना? ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन ऐसा था कि वहां पे जाके ऐसी बैटिंग करनी पड़ी, क्योंकि स्टार्ट में विकेट थोड़ा सा स्लो था, बट अंदर जाने के बाद जब विराट भाई से भी बात किया तो उन्होंने बोला जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ, जैसा बैटिंग करता है वैसे ही करना, और मेरा प्लान भी एकदम क्लियर था कि कैसे बैटिंग करना है, तो बहुत मजा आया। आपने बताया मैच में कि किस तरीके से आपने पारी में आने से पहले रोहित भाई और ऋषभ से बात की, जी उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या बातचीत हुई, और क्या इंडियन टीम में ऐसा होता रहता है कि खिलाड़ी अगर उसे लग रहा है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ आगे जाकर तो वो कप्तान को अपनी बात रखे या आने वाले बल्लेबाज के सामने? नहीं, आप किसी के साथ भी जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो उससे बात कर सकते हैं, वो सिचुएशन में वो दो वहाँ पे बैठे हुए थे और हम लोग बहुत सिचुएशंस के बारे में बात करते रहते कि ये सिचुएशन आई तो इसमें कैसे खेलना है, इसको इसमें गेम में प्लेयर कैसे अच्छा करके बाहर निकाल सकता है वो सिचुएशन से, तो वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग को वही एक पॉइंट पे आए कि आगे जाके कैसा टेम्पो सेट करना है कि अराउंड 170-175 हो जाएगा तो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा, बट बस वही था, और प्लान एकदम क्लियर था जैसा कि मैंने बोला कि मैं क्या करना चाहता था अंदर जाके, वो बहुत क्लियर था, बिल्कुल डाउट नहीं था, और मुझे तो बहुत मजा आया अंदर बैटिंग करके। इस विकेट में हमने देखा है कि स्कोर सेट करना बहुत एक चैलेंजिंग काम होता है, लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा था, अभी भी ऐसा हो रहा है, तो आज के मैच में आपने जो आपका जो एज ए बैटिंग लाइन हमारा जो अप्रोच रहा, अगर आगे चल के हमें फिर से बैटिंग फर्स्ट करना पड़े तो आपको लगता है किसी कुछ एक एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? आई फील आपने सही कहा कि पहले बैटिंग करने में थोड़ा चैलेंज तो है, बट हम लोग उसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि पहले बैटिंग करके कैसे और कितना टारगेट सेट करना है, और उसी चीज़ की कोशिश जारी है, और वही हम लोग आज भी वही कर रहे थे कि बैटिंग स्टार्ट होने के बाद फिर कितना टोटल होगा, बीच में कैसा टेम्पो सेट करना है, फिनिश कैसा करना है, कौन कौन बैट्समैन बचे हैं, किसका क्या क्या रोल है, वो सब एकदम ही क्लियर था, तो अगर वो रोल अगर मैं नहीं कर पाता तो ऑब्वियसली अगला ऋषभ कर देता या फिर DK भाई थे वो कर लेते, नहीं तो जड्डू भाई भी वो भी कर लेते, तो फायर पावर तो इनफ है, जितना करना है फर्स्ट इनिंग में बनाना है स्कोर तो हो जाएगा। मैम, वी ट्राइड आवर बेस्ट, वी वांटेड टू कीप दैट मार्जिन, बट आई थिंक दे शोड अ गुड फाइट एट द एंड, दे हैव ऑल्सो डन सम थिंग्स राइट टू क्वालिफाई फॉर द एशिया कप एंड प्ले अगेंस्ट अस, आई थिंक दे प्लेड रियली वेल एट दैट सिचुएशन, एंड सेकेंड इनिंग द विकेट ऑल्सो बिकेम अ लिटल ईजियर टू बैट, एंड ऑफकोर्स क्रेडिट गोज टू देम, बट वेरी हैप्पी विद द विन। एक्सपीरियंस हैज बीन रियली गुड, आई मीन बिफोर दैट आई प्लेड लॉट ऑफ T20 मैचेज ऑब्वियसली फॉर माई फ्रेंचाइज एंड डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल, सो कमिंग हियर इट वॉज जस्ट हाउ डू आई अडेप्ट टू द सिचुएशंस, टू द प्रेशर, टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू डू वेन एवर आई गोइंग टू बैट और वेन एवर वट एवर आई डू ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशंस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, द प्रिपरेशंस एंड माई रूटीन्स वॉट आई डू बिफोर द गेम एंड वेन आई कम टू द ग्राउंड, सो दैट्स अ लिटल डिफरेंट वेन यू कम टू एन इंटरनेशनल सेटअप एंड वेन यू प्ले फॉर इंडिया, सो दैट्स द थिंग विच आई एम फोकसिंग ऑन राइट नाउ एंड विच इज गोइंग रियली वेल, टच वुड। I mean, a lot of talk about fearlessness and the approach that the team wants to get while batting. Is that a trait that you can acquire, or is it something that you really want? Can you become fearless after having played for some time in a different manner? I feel it's all about what you think and what energy you bring in the group. I feel I have been batting the same way since last 3-4 years. So
I bat the same way in all the situations, and we have a good backing from our team management and the captain as well right now, that whatever the situation is, you go out and express yourself. You never know if it's an close to impossible situation, you may bail the side out from that, and that will be a completely different atmosphere when you come back in the dressing room. So I feel it's a good thing which is going on, spreading very, very nicely, and a good positive thing.